जय श्री कृष्णा। आज ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत अपन क्लास 12th में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन का अध्ययन करेंगे। अब कौन थे ये महावीर प्रसाद जी, तो उनका एक संक्षिप्त छोटा सा मैं परिचय आपको बता देता हूँ कि महावीर प्रसाद जी कौन थे। महावीर प्रसाद जी का जन्म 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है दौलतपुर, वहां पर उनका जन्म हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद ये विद्यालय शिक्षा नहीं अर्जित कर सके, अभी तो स्वाध्याय घर पर रहकर खुद ही अध्ययन किया और इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी भाषा में निपुणता हासिल की। बाद में ये झांसी रेलवे में नौकरी करने लगे, लेकिन अधिक दिनों तक नौकरी इनको रास नहीं आई, तो नौकरी से त्याग पत्र देकर के सन 1903 में सरस्वती नामक एक पत्रिका निकलती थी उसका संपादन करना प्रारंभ किया। 1930 से लगा करके 1920 तक आपने निरंतर सफलतापूर्वक उस सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उसी दरमियान उस पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में 1914 में पढ़े लिखे का पांडित्य, पढ़े लिखों का पांडित्य करके एक निबंध छपा था, उसी का यह अंश है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। 1914 में छपा था सरस्वती पत्रिका में और उस समय इसका शीर्षक था पढ़े लिखों का पांडित्य। 1938 में आपका दिवासन हुआ था। आपने अपने समकालीन कई लेखकों की सहायता की थी, लेखन कला को बढ़ावा दिया था, कई तरह के साहित्य सृजन किए थे। इस कारण से साहित्य के क्षेत्र में इनके कालखंड को, इनके जन्म वाले कालखंड को द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से ही जाना जाता है। द्विवेदी युग पूरा का पूरे कालखंड का नामकरण इनके नाम से होता है। अब अपन आज के पाठ के बारे में चर्चा करेंगे, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। कुतर्क किसे कहते, सबसे पहले बात करते हैं गलत तर्क। एक तो तर्क होता है उचित तर्क, कैसा आपके पिताजी ने कहा कि बाजार से कोई सामान लेके आना है, तो आप कहोगे कि पिताजी मेरे पैर में चोट लगी है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, और अपनी चोट दिखाओगे, तो ये तो क्या तर्कसंगत बात, क्या आपने वाजिब चीज उनके समक्ष रखी। या आप ये भी कह सकते हैं पिताजी आज 18 तारीख को ये मार्केट बंद रहता है, प्रत्येक मास की 20 तारीख को ये मार्केट बंद रहता है, तो आज ये वस्तु नहीं मिल पाएगी, तो ये तो उचित तर्क है। कुतर्क क्या होगा पिताजी को, ये क्या मैं ही दिखता हूँ क्या, कल भी तो मैं बाजार गया था, बड़े वाले को क्यों नहीं भेज देते, छोटे वाले को क्यों नहीं भेज देते, इतनी दूर मेरे से तो नहीं जाया जाएगा, ये क्या हो गलत कुतर्क। वो कहना था कुतर्क बेकार के तर्क, ठीक, अनावश्यक तर्क जिनका कोई औचित्य नहीं होता। तो स्त्री शिक्षा के संबंध में भी समाज में ऐसे अनेक प्रकार के कुतर्क दिए जाते हैं। महावीर प्रसाद जी ने इसी प्रकार के कुतर्कों का खंडन किया कि आप जो तर्क दे रहे हो ये सही नहीं है, उचित नहीं है, गलत है। अब समाज में स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के क्या क्या तर्क दिए जाते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे, और कल की क्लास में उन तर्कों का लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कैसे खंडन करते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में अपन करेंगे कि समाज में स्त्री शिक्षा को लेकर के, बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। तो सबसे पहला तर्क दिया जाता है सुख का नाश। क्या दिया जाता है कि यदि बालिकाओं को पढ़ा लिखा दिया गया तो घर में सुख शांति चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी नारी अपने पति के सामने, सास ससुर के सामने बोलेगी, उनकी इज्जत नहीं करेगी। ज्यादा पढ़ी लिखी नारियां घर में इज्जत नहीं करती, परिणाम स्वरूप घर में कलह होते हैं और सुख शांति का नाश हो जाता है। इसलिए स्त्रियों को पढ़ा भी नहीं चाहिए, न तो नारी का वास न बजेगी बासुगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, अनपढ़ होगी, जैसा कहोगे वैसा मान लेगी, चुपचाप बैठी रहेगी। यदि उनको पढ़ा लिया तो घर में सुख का नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के तर्क वितर्क करेगी, जिससे दुख होगा, कलह होगी और सुख का नाश होगा। ये पहला तर्क दिया जाता है। दूसरा तर्क दिया जाता है संस्कृत नाटकों में संवाद। पूर्व में हिंदी से पहले जो अपनी मूल भाषा थी वो संस्कृत थी, तो संस्कृतों में नाटकों की रचना की गई थी। उन नाटकों में स्त्रियों के संवाद जो थे वो
वो संस्कृत में नहीं मिला। पहली बात तो उन नाटकों में स्त्रियों को स्थान ही नहीं मिला। यदा कदा कहीं स्थान मिला भी तो जहां जहां स्त्रियों का संवाद होता था वहां संस्कृत भाषा में न होकर के प्राकृत भाषा होती थी। संस्कृत से भी पहले की जो भाषा थी प्राकृत उसमें होता था, प्राकृत भाषा में होता था। ये कहा जाता है कि इससे ये सिद्ध होता है कि पौराणिक काल से पुराने जमाने से स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता। तीसरा कारण दिया है प्राकृत अनपढ़ों की भाषा थी। अब जहां कहीं संस्कृत नाटकों में स्त्रियों का योगदान हुआ है तो वहां उनको क्या बोलते हुए बताया, प्राकृत भाषा बोलते हुए बताया। और लोग कहते हैं कि प्राकृत तो अनपढ़ों की भाषा थी, इसका मतलब है कि उस काल की जो स्त्रियां थी वे पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ये हम नहीं कह रहे, वो लोग कहते हैं कि हम नहीं कह रहे, ये तो पूर्वजों से ये परिपाटी चली आ रही है कि स्त्रियों को पढ़ाना अनुचित है। इसके अनेक उदाहरण दे रहे हैं कि संस्कृत नाटकों में जो संवाद है वे प्राकृत में दे रखे हैं और प्राकृत जो थी वो अनपढ़ों की भाषा थी। इससे ये सिद्ध होता है कि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी पुराने जमाने में। उसके बाद फिर अपने तर्क में एक उत्तर और जोड़ते हैं, शकुंतला और सीता का उदाहरण देते हैं। शकुंतला भी पढ़ी लिखी थी और सीता भी पढ़ी लिखी थी। यही कारण था कि सीता ने राम के सामने बोला था, उन्हें वनवासी कह करके संबोधित किया था। अपने राम द्वारा सीता का त्याग करने पर उसे अपशब्द कहे थे। उसी प्रकार शकुंतला भी मृदंग ऋषि का अपमान किया था, ठीक है नहीं? तो क्यों? क्योंकि ये दोनों पढ़ी लिखी थी, तो जहाँ पढ़ी लिखी नारियाँ थी वहाँ घर में कलह हो गई थी, इसलिए इनको पढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये उदाहरण देते हैं कि ये देख लो, ये पढ़ी लिखी थी तो ये क्या होता है कि उसमें कलह का कारण बनती है। और दूसरा अंतिम दिया पढ़े और दुर्व्यवहार, कि स्त्रियां यदि पढ़ जाती है तो वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगती है और दूसरों के साथ वो दुर्व्यवहार करती है, बुरा व्यवहार करती है, बुरा आचरण करती है, इसलिए स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ तर्क दिए गए हैं लोगों के द्वारा, तर्क नहीं बल्कि यूं कहेंगे ये कुतर्क दिए गए जो औचित्यहीन है। इन सब कारणों के कारण लोगों का मानना है कि स्त्रियों को कभी पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि उनको पढ़ा लिखा दिया तो घर में सुख शांति का ह्रास होगा, ठीक है, वो दुर्व्यवहार करेगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अतीत के हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें देख सकते हैं, शकुंतला और सीता के रूप में जो पढ़ी लिखी थी तो अपने पति के सामने बोली थी, ऋषि मुनि का मान मर्दन किया था, उनका घमंड उतारा था, जो भाषा नाटकों में प्रयुक्त होती थी उसमें स्त्रियों के द्वारा प्राकृत बोली गई बताई गई है, और प्राकृत भाषा जो थी वो अनपढ़ों और गवारों की भाषा थी। इससे भी सिद्ध होता है कि पूर्व में भी ये कार्य नहीं होता था, इसके वर्तमान में भी ये कार्य नहीं होना चाहिए। तो ये अनेक प्रकार के कुतर्क दिए गए, लेकिन लेखकों ने इन सभी कुतर्कों का खंडन किया। क्या क्या खंडन किया वो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। एक एक का भी सुख का नाश हो कहते हैं, तो ये बताइए कैसे गलत है ये कारण। ये प्रत्येक जो कारण दे रखे हैं, कुतर्क दे रखे हैं, इनके सही तर्क दे करके इनका खंडन करेंगे कल मामी प्रसाद द्विवेदी जी, तो कल की क्लास में अपन इनके कुतर्कों का खंडन करेंगे। तो आप भी एक टेबल बनाओगे इसी प्रकार से, जिसमें एक तरफ लिखोगे कुतर्क और एक तरफ लिखोगे खंडन, जिससे पूरा पाठ जो है वो आपके सामने आ जाएगा, क्या क्या कुतर्क दे रखे हैं और उसका किस किस प्रकार से खंडन किया गया। तो आज आप अपनी कुतर्क पुस्तिका में ये हेडिंग डाल के स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये हेडिंग डालोगे, इधर लिख लोगे कुतर्क और कुतर्क में ये सारे कुतर्क लिख लोगे जो भी अपन ने आज लिखे ये सारे कुतर्क। और कल की जो क्लास होगी उसमें मैं एक एक इसका खंडन करके बताऊंगा कि कैसे उसने इस एक एक बिंदु का खंडन किया, तो सामने आपके आ जाएगा एक एक का खंडन। इससे आपका पूरा पाठ जो है वो और सहजता और सरलता के साथ आपको समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।